बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट पार्ट हमने कर लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वेव ऑप्टिक्स। और आज का वीडियो लेक्चर रहेगा आपके पास कि वेव की थ्योरी किस किस ने दी थी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड से जो रिलेटेड है, हाइगंज थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेव के बारे में किसने क्या बताया था, इस थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले यार बच्चा क्या था इसके बारे में, वेव ऑप्टिक्स वेव थ्योरी के बारे में बताया था किसने, न्यूटन कॉर्पस्कुलर ने। ठीक है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर ने क्या बताया था कि एवरी लाइट एमिट द टीनी पार्टिकल, एवरी लाइट लाइट जो है वो टीनी पार्टिकल क्या करती है, एमिट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलर लाइट। ठीक है, ये जो टीनी पार्टिकल होते हैं बच्चों, इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं। जिसने बताया था उस थ्योरी के अंदर कि पार्टिकल कैसे हैं, रिजिड है, मासलेस है, डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं आपके पास। तो एवरी लाइट पार्टिकल, कुछ पार्टिकल एवरी लाइट जो है आपके पास कुछ पार्टिकल एमिट करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कॉर्पस्कुलर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो पार्टिकल है बच्चों, जिनका मैं नाम ले रही हूँ कॉर्पस्कुलर, ये किससे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं आपके पास। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है बच्चों वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, उसकी स्पीड, और एयर में क्या होती है, ज्यादा। उसकी जो स्पीड है बच्चों वो डेंसर में क्या होती है, ज्यादा, और एयर में क्या होती है बच्चों, कम होती है। हालांकि बाद में ये थ्योरी बच्चों फेल हो गई थी। आपको भी पता है कि लाइट वेव जो मैक्सवेल में, आप मैक्सवेल इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट ट्रेवल विद आपके पास स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸। सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है लाइट की वो एयर में होती है, मीडियम में नहीं होती। बाकी न्यूटन ने ऐसा कहा था बच्चों कि डेंसर के अंदर इसकी स्पीड क्या होती है लाइट की, ज्यादा होती है, और एयर के अंदर कम होती है। बाद में थ्योरी बेटा कुछ रीजन से फेल हो गई थी, क्योंकि कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद कहता है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द कॉर्पस्कुलर। वो कहते हैं डिफरेंट कलर, जैसे व्हाइट लाइट है उसके अंदर क्या होता है, VIBGIBGOR की बात करते हैं, तो जो डिफरेंट कलर है उनके जो पार्टिकल्स है उनकी शेप और साइज बच्चों अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव द डिफरेंट वेवलेंथ साइज ऑफ द कॉर्पस्कुलर। जैसे रेड की सबसे ज्यादा हो जाएगी वेवलेंथ, वायलेट की बच्चों सबसे कम हो जाएगी। इसके बारे में किसने बताया, ये सब फिनोमिनाज किसने बताए थे बच्चों, ये सारी थ्योरी न्यूटन्स ने दी थी। बाद में ये थ्योरी बच्चों फेल हो गई थी कुछ रीजन से, एक बार इतना नोट करिए फिर डिस्कस करते हैं उसके आगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों, इसको कर लिया नोट बच्चों। इसने हमें तीन फिनोमिनाज के बारे में बताया था, दिस थ्योरी गिव्स थ्री फिनोमिनाज। सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्शन, इस थ्योरी ने हमें किसके बारे में बताया, रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। ये थ्योरी कहती है कि जब पार्टिकल वो क्या सरफेस पे आए, ये कॉर्पस्कुलर सरफेस पे आके टकराते हैं बच्चों, क्योंकि उसने कहा था लाइट पार्टिकल है कॉर्पस्कुलर पार्टिकल, पार्टिकल का नाम था बच्चों ये सरफेस से टकराएगा और रे ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमिना को क्या बताया उसने, रिफ्लेक्शन बताया आपके पास। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया था आपके, ठीक है, उसने बताया उसके बाद आपके पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या था बच्चों, उसने कहा कि जब ये कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस पर टकराते हैं बच्चों, तो ये रेयर मीडियम है और ये क्या बच्चों, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है, ये जो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल है ना, मान ली डेंसर मीडियम के पार्टिकल है, ठीक है, ये इन कॉर्पस्कुलर पार्टिकल को मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं। कॉर्पस्कुलर पार्टिकल को क्या है, ये मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं और ये लाइट थोड़ी सी ऐसे सीधी ना जाके थोड़ी बेंड हो जाती है। ठीक है, फिर से समझिए बच्चों, उन्होंने क्या फिनोमेना था, रिफ्लेक्शन। उसने कहा कि कॉर्पस्कुलर पार्टिकल सरफेस पर टकराते हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ये जो कोलिजन होता है सरफेस के साथ, ये कैसा कोलिजन होता है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। उन्होंने कहा कि ये कोलिजन कैसा, उसके साथ इलास्टिक कोलिजन। फिर उसने रिफ्लेक्शन में क्या बताया कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो जो कॉर्पस्कुलर जो पार्टिकल है हमारे पास,
जो लाइट के अंदर जो कोस्पोलर्स पार्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, उनको जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो जब ये पार्टिकल जाने तरह से सीधे चाहिए थे, लेकिन ये इस मीडियम में आए तो उन्होंने इसको ऐसे खींचा, तो ये अपने मीडियम की इस तरफ क्या होगी, थोड़े से बैंड हो गए, ठीक है। लेकिन बच्चों ये थ्योरी आपके पास, तीसरा पॉइंट बताया था उन्होंने आपके पास, लाइट हैव द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट हैव रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। क्या बताया था, लाइट हैव द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन आपके पास, उसने उसके बारे में, ठीक है, नोट करिए बच्चों। ये लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, एक ही बात है बच्चों, नोट करिए इसको पॉइंट को जल्दी से। लेकिन ये थ्योरी बच्चों फेल हो गई थी, दिस थ्योरी फेल ड्यू टू द सम फिनोमेना। अब सिंपली ध्यान रखोगे, दिस थ्योरी तीन फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है आपके पास, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, आप ऐसे लिख सकते हो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में किसने बताया था बच्चों आपको, फिर से लिखो क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, नोट करिए बच्चों। उसने क्या बताया कि सरफेस से क्यों रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है। फिर उसने कहा कि रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम के पार्टिकल उसको स्ट्रॉन्गली इनकोस्पुलर्स को अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, तो वो सीधे ना जाके थोड़े से टर्न हो जाते हैं, इसलिए वो क्या बना रहे हैं आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, नोट हो गया बच्चों। बट दिस थ्योरी फेल, ये थ्योरी क्या हो गई थी बच्चों, फेल हो गई थी, बिकॉज दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन फिनोमेना। लिखो बट दिस थ्योरी फेल, ये थ्योरी फेल हो गई थी, बिकॉज it does not explain the interference diffraction and polarization phenomena, ठीक है। ये जो थ्योरी है बच्चों इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये थ्योरी वहां पे क्या हुई थी बच्चों, फेल हो गई थी, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि लाइट डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड से चलती है आपके पास, और आपके पास मतलब इसने कहा था कि जो लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी इससे बच्चों रेयर्स, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद आया बच्चों हाइगन्स, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हाइगन्स थ्योरी, जो कि हमें पढ़नी भी है, हमारे सिलेबस में भी है बच्चों, ठीक है। थोड़ा बेसिक बता रही हूँ अभी मैं आप लोगों को क्या होता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए आपको। उसके बाद बच्चों आई हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहती है बच्चों आपके पास, ये डटेस साइंटिस्ट था बच्चों, ये डटेस साइंटिस्ट था ये आपके पास यहाँ पे। इसने 1678 में क्या बताया आपके पास, लाइट हैव द लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसने 1678 में क्या बताया था, लाइट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट कैसी वेव है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है आपके पास, ठीक है। लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, या कह सकते हो लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, और ये भी कह सकते हो सकता है कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिले, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। या आपने 10th 11th में पढ़ा है बच्चों वेव वाले टॉपिक में, मैकेनिकल वेव होती है विच रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है बच्चों, विच रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। जैसे हमारे पास साउंड वेव कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो ऐसे ऐसे चलती है, ट्रांसवर्स मतलब जो ऐसे ऐसे चलती है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है।
आपके पास उसने कहा कि उसने जो कहा कि लाइट वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या लॉन्गिट्यूडनल मतलब साउंड वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होती है। तो वहां से याद रख सकते हो मैकेनिकल वेव भी कह सकता है, या उसको उसने ये भी कह दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है विच रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। बच्चों उसने, लेकिन देखो बच्चों हमें पता है कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आगे मैक्सवेल ने हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि लाइट जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ठीक है, इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। उसने क्या बच्चों क्या कहा, हाइगन्स ने क्या कहा अपनी थ्योरी के बारे में, हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स सेज, हाइगन्स ने क्या कहा, एक इथर नाम का कोई सब्सटेंस है जो मटेरियल में पूरे एनवायरमेंट में फैला हुआ है, ठीक है, और जिसके कारण जो उसने कहा इथर, हाइगन्स ने क्या कहा यहाँ पे आपके पास एक इथर नाम का सब्सटेंस है, इथर इज ए, इथर थ्योरी कह सकते हो आप इसको, ऐसे लिख लो हाइगन थ्योरी, इथर थ्योरी, हाइगन इथर थ्योरी, इथर थ्योरी। उसने कहा इथर इज ए वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक, इथर इज ए वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम इथर इज ए वेरी हाईली इलास्ट डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम कोड सेपरेट एवरीवेयर, सेपरेट एवरीवेयर। देखो उसने कहा, देखो इलास्टिक वेव की हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इलास्टिसिटी के लिए ई बाई रो, ई क्या होती है इलास्टिसिटी, रो क्या होती है डेंसिटी। उसने कहा डाइल्यूट मतलब बहुत ही हल्का, हाईली इलास्टिक मतलब हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी उसकी बहुत ज्यादा है। बच्चों इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिसको ज्यादा प्रेस करने पर, वो ज्यादा फोर्स लगाने पर लेस कंप्रेस हो, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं जो ज्यादा फोर्स लगाने पर लेस कंप्रेस हो, उसे क्या कहते हैं मोर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। जैसे स्टील मोर इलास्टिक आपका रबड़ की कंपैरिजन में, ठीक है। तो कह रहे कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरमेंट में फैला हुआ है, इथर नाम का कोई सब्सटेंस, ठीक है, इथर नाम का कोई सब्सटेंस फैला, जैसे भगवान जैसी कोई चीज है जो दिखती नहीं है पर है, जो दिखती नहीं है बच्चों पर है, ठीक है, जो बहुत पावरफुल है। वैसे उसने यही कहा यहाँ पे कि इथर नाम का कोई सब्सटेंस जो एनवायरमेंट में बच्चों फैला हुआ है, उसका नेचर क्या है, हाईली इलास्टिक है, डाइल्यूट है। हाईली इलास्टिक मतलब जो इलास्टिसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, ई वर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा, डाइल्यूट है मतलब हल्का है, हल्का है मतलब डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा, स्पीड क्या होगी ज्यादा। तो कहता है कि जो सन से रे आने वाली है, जो भी मतलब बहुत दूरी से जो पार्टिकल्स आने वाले हैं हमारे पास, वो किससे आ रहे हैं बच्चों, अर्थ के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट से, किससे आ रहे हैं बच्चों, वो स्पीड ऑफ ए लाइट से, मतलब वेरी हाई स्पीड से आ रहे हैं, और वेरी हाई स्पीड किसकी कहा गई थी बच्चों, लाइट की, वेरी हाई, ठीक है बच्चों। तो उसने क्या कहा, हाइगन्स ने क्या बताया कि वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव या मैकेनिकल वेव, ठीक है। उसने थ्योरी में कहा कि उसने इथर नाम की थ्योरी को बताया, उसने कहा कि एक भगवान जैसे, समझो कोई भगवान जैसी चीज दिखती तो नहीं है पर है, ऐसे इथर नाम का कोई सब्सटेंस है जो एनवायरमेंट में फैला हुआ है, जो आपके पास हाईली इलास्टिक है, डाइल्यूट है आपके पास, ठीक है। इलास्टिक है तो इलास्टिक मटेरियल की स्पीड हम ऐसे निकाल देते, हमने सीखी थी ये बातें प्लस वन, जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी डेंसिटी कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी मतलब जो आपके पास लाइट रे आ रही है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे सन से आने वाली अर्थ रे बहुत ही बहुत ज्यादा स्पीड से, इथर नाम का सब्सटेंस सन और अर्थ के बीच में भरा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए समझिए। तो इथर क्या है, हाईली डायल्यूट हाईली इलास्टिक, मतलब कि वेरी डायल्यूट और वेरी इलास्टिक। तो आपके पास जो सन से आने वाली रेडिएशन की स्पीड क्या है, बहुत ही ज्यादा, इस बात का एक्सप्लेनेशन उसने वहां पे दे दिया यहाँ पे, ठीक है। पर देखो बच्चों ये थ्योरी भी यहाँ पे फेल होगी, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आपके पास जो लाइट वेव है वो किस में चलती है, आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। लाइट हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। इसका इसके अकॉर्डिंग तो लाइट रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, लेकिन हमें ये पता है ये थ्योरी फेल होगी, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इसके बारे में बाद में मैक्सवेल आया था, मैक्सवेल इक्वेशन से ये बात प्रूव हो गई थी 1875 के आसपास, मैक्सवेल ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था आपके पास, फोकाल्ट ने, इसके बारे में जब फोकाल्ट आया तभी उसके बारे में सक्सेस एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पता चला था,
ठीक है, एक बार इतना नोट करिए बच्चों, फिर बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद 1873 में कौन आया बच्चों? मैक्सवेल आया। 1873 में कौन आया? मैक्सवेल। 1873 में मैक्सवेल ने क्या कहा बच्चों? पहले एक बार पहले इस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये थ्योरी हमें क्या क्या बताती है? हाइगन्स थ्योरी क्या क्या बताती है? ठीक है, हाइगन्स थ्योरी जो है हमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन देती है? तो देखो, हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेनेशन, हाइगन्स थ्योरी एक्सप्लेनेशन, हाइगन्स थ्योरी हमें क्या क्या बताती है? ठीक है, हाइगन्स थ्योरी से हम क्या क्या फिनोमिनास फाइंड आउट कर सकते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्रैक्शन, चौथा इंटरफेरेंस, पांचवा डिफ्रैक्शन। हालांकि बच्चों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना थे वो यंग्स ने बताए थे। यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा था बच्चों? यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? यंग्स ने और फ्रेजनल ने। ये एक्सप्लेनेशन, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन इसका किसने दिया था बच्चों? यंग्स ने, और किसने दिया था आपके पास? आपके पास फ्रेजनल लाइन के साइंटिस्ट ने। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी से हम पोलराइजेशन फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पोलराइजेशन फिनोमिना, क्योंकि पोलराइजेशन फिनोमिना के लिए लाइट का नेचर कैसा होना चाहिए? ट्रांसवर्स। ये हमें भी पता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है बच्चों? ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे पोलराइजेशन इट डज नॉट, हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन द पोलराइजेशन फिनोमिना, पोलराइजेशन फिनोमिना बिकॉज फॉर पोलराइजेशन लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर, लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पॉइंट, बेसिक नॉलेज है, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। हो गया, यंग्स ने क्या बताया था बच्चों? अभी लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर। यंग्स और फ्रेजनल ने हमें क्या बताया बच्चों? लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, उसके बाद यंग्स आया बच्चों, और यंग्स ने हमें क्या बताया? यंग्स ने एंड यंग, इन्होंने हमें क्या बताया? लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर, सेस लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है बच्चों? ट्रांसवर्स। ये हमें पता है, ये 1873 में किसने, देखो 1873 में मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल ने ये बता दिया था कि लाइट हैव, मैक्सवेल सेज लाइट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और उसने बताया इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ये मैक्सवेल ने इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, 1850 में फिर बच्चों एक बार ये थ्योरी आई थी
फोकॉल्ट ने इसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, ठीक है। 1800 इससे पहले 1850 में फोकॉल्ट ने ही इसको एक्सप्लेनेशन में दे देते हैं, लिख लो 1850 में जो फोकॉल्ट एक साइंटिस्ट था बच्चों, गिव्स द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर, और इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है। 1850 में फोकॉल्ट ने हमें ये बता दिया था, एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव कर दी थी फोकॉल्ट ने कि आपके पास कि लाइट डज नॉट, बाद में मैक्सवेल ने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपके पास डज नॉट लाइट हैव द ट्रांसवर्स नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, या आप ये भी कह सकते हैं यहीं पे ये भी लिख लेना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। इस फोकॉल्ट 1850 फोकॉल्ट गिव्स द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या डेंसर कर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसका एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुली किसने दिया था, फोकॉल्ट ने दिया था 1850 में, ठीक है। फिर 1873 में मैक्सवेल ने क्या कहा कि लाइट हैव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, अब हमें पढ़ना है बच्चों यहाँ पे थोड़े बेसिक सी थ्योरी थी, न्यूटन की थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं कि लाइट एमिट द टीनी पार्टिकल्स, इसको हमने कॉर्पस्कुलर कहा, ठीक है। ये जो पार्टिकल है इनकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर मीडियम, ऐसा कॉर्पस्कुलर ने कहा था, सबने मान लिया, न्यूटन की थ्योरी थी, न्यूटन ज्यादा सक्सेसफुल था उस टाइम पे, ठीक है। फिर हाइगेंस आए, हाइगेंस ने कहा कि लाइट जो है एकदम मैकेनिकल वेव, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है विच रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, ठीक है। उसने वहां पर इलेक्ट्रिकली प्रोपोगेशन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करें, लेकिन पोलराइजेशन फिनोमिना उस थ्योरी से वहां पर फेल नहीं हुआ, तो वो थ्योरी भी बच्चों हाइगेंस की थ्योरी भी वहां पर फेल हो गई थी, ठीक है, बिकॉज लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। इसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 1850 में फोकॉल्ट ने दिया था, और 1873 में और इसका एक्सप्लेनेशन दिया था फर्दर, और ज्यादा एक्सप्लेन करा था किसने, मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन से इस बारे में सक्सेसफुल वेरिएशन यहाँ पे दिया था, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से यहाँ से, अब बात करते हैं हाइगेंस थ्योरी, क्योंकि हमारे सिलेबस में बच्चों यहाँ पे ये हाइगेंस थ्योरी, इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहते हैं, बात करते हैं बच्चों हाइगेंस का प्रिंसिपल है तो उसकी ऑब्जर्वेशन वो हमें माननी पड़ेगी, ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये वो तो बेसिक नॉलेज थी आपके पास, किसने क्या बताया क्या नहीं, थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए था बच्चों आपका। तो हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का प्रिंसिपल है बच्चों हमें मानना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपके पास, हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है, हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है बच्चों वो हमें क्या कहता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल था, इसकी बातें थी तो हमें माननी थी पड़ेगी, उसने क्या था क्या नहीं, बस उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसने क्या कहा वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कह रहे। हाइगेंस ने हमें वेव फ्रंट के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों, इट इज अ कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल, इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इन द सेम फेज। तो वो फेज वर्ड आपको बात पहले बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को बार बार कि फेज का मतलब क्या है, फेज क्या होता था, कौन आगे कौन पीछे, कि बीच कौन सा पार्टिकल आगे चल रहा है कौन सा पार्टिकल पीछे चल रहा है, बेसिकली द मीनिंग ऑफ फेज। जैसे कि आपने अल्टरनेटिंग करंट में भी ये बातें पढ़ी है, वहां आपने बताया कि कैपेसिटर जो है इंडक्टर में, कैपेसिटर में करंट का क्या कनेक्शन है, आप कहते हैं कैपेसिटर में करंट जो है लीड करता है और इंडक्टर में ईएमएफ लीड करती है, मतलब
कौन सा पार्टिकल आगे है कौन सा पीछे है, तो उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन हमें देता है बेसिकली क्या कहते हैं, फेज। फेज को हम जनरली एंगल वेव से भी समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों किसका बताता है, वेव का, ये पार्टिकल का होता है, ये हमने 11th में पढ़ा है। तो बेसिकली जो ओमेगा t प्लस माइनस है बच्चों ये क्या बताता है, फेज को बताता है, ठीक है। इसने कहा कि इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। पार्टिकल किसमें वाइब्रेट करें बच्चों, सेम है। जैसे मैं कहूँ बच्चों, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे आपने पानी के अंदर एक पत्थर को ऊपर से डाला, ये काफी बुक से यही एग्जाम्पल देती है कि आपके पास एक पत्थर लिया और आपने उसको पानी में डाल दिया बच्चों, ठीक है। तो वो सारे देखो वहां पे एक भंवर सी बन जाती है, उसे बोलते हैं रिपल्स, ऐसे ऐसे देखो ऐसे वो ऐसे फैलती, ऐसे ऐसे फैलती हुई जाती है ना वो भंवर सी, ऐसे आगे रिपल्स बोलते हैं उसको फिजिक्स में ना, ऐसे। तो वो जो बनी देखो वो लेयर, ऐसे ऐसे जो लेयर बन रही है बच्चों ये ऐसे ऐसे, इनको हम रिपल्स कहते हैं। पानी का पत्थर डाला तो ऐसे ऐसे वो लेवर्स ऐसे बनती हुई ऐसे आगे जा रही, उसे कहते हैं बच्चों वेव फ्रंट। उसे क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। जैसे मैं कहूं ये एक पॉइंट सोर्स है बच्चों, ये एक पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रे ऐसे निकलेगी सारी डायरेक्शन में, पॉइंट सोर्स के कारण सारी डायरेक्शन में बच्चों ये ऐसे रे निकलेंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो मान लें मैं ये एक पार्टिकल ले लूं यहाँ पे ए एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं एक बी पार्टिकल, सब डिस्टेंस एक्स पे ही है, यहाँ पे मैंने सी पार्टिकल ले लिया एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैंने डी पार्टिकल ले लिया एक्स डिस्टेंस पे, ई पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे, एफ पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे, जी पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे, एच पार्टिकल, ये सब एक्स एक्स डिस्टेंस पे सभी। तो ये सारे पार्टिकल को जो मैं बच्चों यहां से मिलाऊंगी ना एक्स डिस्टेंस पे, दीज ऑल पार्टिकल आर इन द वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये सारे पार्टिकल जो है बच्चों यहां से, ये यहां से जो मैं मिला दिया सबको एक साथ ए बी सी डी ई एफ जी, वो सारे किसमें वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों, सेम फेज में। क्या कर रहे हैं वहां पे वाइब्रेट, सेम फेज का मतलब बच्चों मान लिया फर्स्ट पार्टिकल ए, तो ए के लिए बात करूं तो ए साइन ओमेगा, पहले टी वन टाइम पे बात कर रहे हैं, ओमेगा वन टी प्लस के एक्स टी वन टाइम, ठीक है। बी पार्टिकल के लिए बात करें तभी बच्चों ए साइन ओमेगा टी वन प्लस के एक्स, बी पार्टिकल के लिए बात करें, सी के लिए बात करेंगे तब भी बच्चों वही है, डी के लिए बात करेंगे तब भी वही है, सबके लिए वही बात है। ए के लिए बात करो आप, बी के लिए बात करो आप, सी के लिए करो, ये आपने ए पार्टिकल के लिए लिख दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपने एम्पलीट्यूड को बताता है बच्चों, वो तो सेम है, ये बी पार्टिकल के लिए लिख दिया, ये आपने सी पार्टिकल के लिए लिख दिया, तो ये सब ऐसे डी पार्टिकल एफ पार्टिकल, तो ये सारे पार्टिकल जो है बच्चों सेम फेज में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इट इज द कंटिन्यूस लोकस, देखो क्या था, इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे सारे पार्टिकल जो होंगे एक सोर्स पॉइंट सोर्स से, वो सारे एक फेज में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जब तुम पत्थर को पानी के अंदर मारते हो तो ऐसे भंवर ऐसे बन जाते, रिपल्स से बन जाते, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बनते चले जाते, वो क्या कहलाएंगे बच्चों आपके, वो जो एक पर्टिकुलर फर्स्ट वाली लेयर वन वो क्या है, एक वेव फ्रंट है, दूसरी वाली लेयर दूसरा वेव फ्रंट है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, ये पॉइंट सोर्स है, इससे यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगी, ठीक है, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, ये एक वेव फ्रंट बना, ये एक वेव फ्रंट बना, ठीक है, ये तीसरा वेव फ्रंट और बना बच्चों यहाँ से। तो देखो इसके पार्टिकल जितने भी होंगे, इस ये वेव फ्रंट है बच्चों, इसको क्या कह रहा है वो, वेव फ्रंट, इसको क्या नाम दिया उसने, वेव फ्रंट, ठीक है, ये क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। ये दूसरा है, इसमें सारे एक्स एक्सिस, ये सब सेम फेज में, ये इस वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल जो है बच्चों दे आर इन द सेम फेज, सेम फेज, ठीक है। तो क्या ये पार्टिकल और ये भी सेम फेज में होंगे, नहीं बच्चों, ये इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट के सारे वेव फ्रंट जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे सेम फेज में होंगे, लेकिन इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के पार्टिकल सेम फेज में नहीं होंगे। देखो इसके सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, लेकिन इसके और इसके जो है वो बच्चों सेम फेज में नहीं होंगे। सेम बात यहाँ पर भी लागू होगी कि इसके और इसके भी सेम फेज में बच्चों नहीं होंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लोकस जो बना आपके पास, देखो पानी के अंदर जब आप पत्थर को मारते हो तो नंबर ऑफ लेयर बनता, फर्स्ट लेयर के सारे पार्टिकल सेम फेज में, सेकेंड लेयर के सारे पार्टिकल उस लेयर में सेम फेज में है, ये इस लेयर में सेम फेज में है, लेकिन ये पार्टिकल इस वेव फ्रंट के साथ सेम फेज में बच्चों नहीं है। बात आई समझ में, नोट करिए बच्चों। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट, नोट कर लीजिए।
जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट सभी ने? नोट कर लिया। इस वेव फ्रंट को नाम क्या देंगे बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वेव फ्रंट। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ वेव फ्रंट। कर लिया बच्चों नोट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेव फ्रंट की। ये तो मीनिंग था वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कहते किसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेव फ्रंट। टाइप ऑफ वेव फ्रंट, अगर बच्चों एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? अगर पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो जो मैंने अभी आपको समझाया, तो एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे, जैसे ये बना आपके पास बच्चों, इसकी शेप कैसे होगी? सर्कल में नहीं होगी, स्फेरिकल में। 3D में है ना बच्चों, ये पूरे स्पेस में रे ऑफ लाइट फैल रही है, पूरे स्पेस में 3D में। तो इसकी शेप कैसे होगी बच्चों? स्फेरिकल, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स के कारण ये जो भी शेप बनेगी बच्चों, ये कैसे बनती चली जाएगी? पॉइंट सोर्स है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा आपका? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ड्यू टू द पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, कैसा वेव फ्रंट बनेगा बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट मेड, कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा बच्चों बात करते हैं इसके अंदर, अगर ये जो आपके पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इसको इन्फिनिटी पे देखें, सोर्स कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। उस सिचुएशन में जो वेव फ्रंट बनेगा बच्चों, वो कैसा बनेगा आपका? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सोर्स एट इन्फिनिटी, जैसे मैं कहूँ सन से आने वाली रेज, सन से सन हमारे लिए इन्फिनिटी पे है, उससे आने वाली रेज कैसे आ रही? पैरेलल आ रही है, ठीक है। तब जो हम वेव फ्रंट बनाएंगे अर्थ के आसपास, तो वो कैसा बनेगा बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। अब ये भी कह सकते हो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, ऐसे लिख लो, एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट एक्ट एज ए, एक्ट एज ए प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। या आप ये कह सकते हो इफ सोर्स एट इन्फिनिटी, सोर्स एट इन्फिनिटी और पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, अगर सोर्स कहां पे है? इन्फिनिटी पे है, और रे कैसे आ रही है बच्चों? पैरेलल। देखो रे कैसे आ रही है? पैरेलल, दिख रहा है आपको सबको कैमरे में? एक मिनट मैं भी चेक करती हूँ यहां से, ये रे कैसे आ रही है बच्चों? पैरेलल। तो ये कैसा वेव फ्रंट बनाएगी बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है बच्चों इन्फिनिटी पे, तो कैसे ट्रीट करेगा एज ए प्लेन वेव फ्रंट, दिख रहा है सबको अच्छे से? तो या मैं कह दूं एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा लगेगा आपको? प्लेन वेव फ्रंट। या आप कह दो कि सोर्स इन्फिनिटी पे है या रेज पैरेलल आ रही है, तो कैसे कैसा वेव फ्रंट बनाएंगे बच्चों? वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, कैसा वेव फ्रंट बनाएंगी? वो प्लेन वेव फ्रंट, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते तीसरा बच्चों, नोट कर लिया? 1 2 3 नोट कर लिया सबने। अगर मैं बात करूं लाइन सोर्स की, अगर मैं किसकी बात करूं? लाइन सोर्स की बात करूं, तो लाइन सोर्स की बात करी जाए तो तीसरा है बच्चों लाइन सोर्स, लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स भी कह सकते हो, लीनियर सोर्स या एक छोटी सी स्लिट भी कह देते हैं कई बार, स्लिट की फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके पास माने बहुत ही छोटा सा लाइन सोर्स हो या स्लिट हो बहुत ही छोटी सी, तो इससे देखो लाइट रे ऐसे निकलेगी, इससे लाइट रे ऐसे निकलेगी ना, तो वो वेव फ्रंट कैसा बनाएगी बच्चों? यहां से सिलेंड्रिकल, कैसा वेव फ्रंट बनाएगी वो बच्चों? यहां से आपके पास सिलेंड्रिकल। तो ड्यू टू द लाइन सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनेगा बच्चों? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट बनेगा आपका? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नोट करिए बच्चों, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, एक नोट डाल के लिख लीजिए।
देखो हमने बात करी प्लेन वेव फ्रंट सोर्स पॉइंट सोर्स, जैसे भी किसी वेव फ्रंट की बात करते हैं बच्चों हम लोग, जैसे मैं ये कहूँ जैसे सोर्स है ये आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो पॉइंट सोर्स के कारण कैसा बनेगा बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो रे जा रही है ये हर एक रे जो है बच्चों परपेंडिकुलर है इस सरफेस के साथ, कैसे है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो हम ये भी कह सकते हैं लाइन ड्रॉन, ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे, उसे क्या कहते हैं रे कहते हैं। तुमसे कोई पूछे रो रे क्या है, तो जब आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट था तो प्लेन वेव फ्रंट ये लाइन कैसे जा रही है परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट, लाइन कैसे जा रही है बच्चों परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट। ये यहां से हर एक कैसे एंगल बना रही है बच्चों 90 डिग्री का। तो लाइन ड्रा, ये लाइन जो हमने ड्रा करी है बच्चों वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं रे, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों रे कहते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हो द डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट क्या रहेगा बच्चों ये परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। नोट करिए बच्चों इसको। उसके बाद बच्चों हाइगंस ने एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, यहीं से हमारी थ्योरी शुरू होती है हाइगंस प्रिंसिपल की मेन थ्योरी। ये तो हमने बेसिक नॉलेज बताई जो उसने वेव फ्रंट के बारे में हमें बताया था, यहां से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है हाइगंस ने आपका हाइगंस प्रिंसिपल, ठीक है नोट कर लिया बच्चों। तो पहले पॉइंट में उसने क्या बताया अबाउट द वेव फ्रंट, किसके बारे में बताया उसने अबाउट द वेव फ्रंट। दूसरे हम बात करते बच्चों कि आपके पास इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो वेव फ्रंट के अंदर, अगर लाइट रे तो ये सोर्स है बच्चों, इससे लाइट रे ऐसे निकल रही है, ये सोर्स है बच्चों सोर्स सोर्स ऑफ लाइट, अगर इससे लाइट रे ऐसे निकल रही है जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट वेव फ्रंट, डाइवर्जेंट वेव फ्रंट ठीक है। अगर लाइट रे किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, अगर लाइट रे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आके ऐसे कन्वर्ज हो रही है ठीक है, जब जो वेव फ्रंट बनेगा उसे बोलेंगे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, क्या बोलेंगे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। एक छोटा सा पॉइंट है नोट कर लो वेव फ्रंट, नोट कर लीजिए बच्चों, डाइवर्ज हो रही है एक पॉइंट से तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट से आके इस पॉइंट पे मिल रही है तो उसे क्या बोल दिया डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों हाइगंस प्रिंसिपल का, सेकंड पॉइंट क्या है हाइगंस प्रिंसिपल का, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों, सेकंड और थर्ड और फोर्थ तीनों ही पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ऑन द पहले मैं लिखती हूं फिर समझाती हूं बच्चों, every point on the wavefront acts as a secondary wavefront, wavefront या इसी को लिख देते हैं new disturbance, new disturbance, secondary wavefront को ही क्या लिख देते हैं new disturbance ठीक है। Act as a secondary wavefront is called secondary wavelet, secondary wavelets। उसने क्या कहा बच्चों every point on the wavefront acts as a secondary wavefront or new disturbance, acts as a secondary wavefront or a new disturbance ठीक है, is called secondary wavelets, every point on the wavefront act as a secondary disturbance, लिख दो secondary disturbance, लिख दो new disturbance, wavefront मत लिखो उसको, ऐसे लिख लो यहां से secondary
डिस्टरबेंस और न्यू वेव फ्रंट, न्यू डिस्टरबेंस ऐसे लिखो. एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए डिस्टर्ब, सेकेंडरी डिस्टरबेंस या न्यू डिस्टरबेंस, सेकेंडरी डिस्टरबेंस कह दो या न्यू डिस्टरबेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. देखो कैसे मतलब क्या इस चीज का. अभी तो आपने कुछ इसके एक एक पॉइंट का मीनिंग है बच्चों, एक एक पॉइंट का बड़ा ही अच्छे से इसका मीनिंग. देखो प्राइम्स को सेकेंडरी क्यों कहा, देखो प्राइमरी तो ये था ही, ये हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स था. ये बच्चों देखिए, ये इसने जो फर्स्ट वेव फ्रंट बनाया इसको क्या कहोगे, प्राइमरी सोर्स. ठीक है, इसके कारण जो बना हमारे पास, देखो ये बना, ये एक वेव फ्रंट बना हुआ है हमारे पास, इसके कारण, इसके कारण जो हमारे पास जो वेव फ्रंट बना, तो इसको क्या कहोगे, प्राइमरी सोर्स. इसको क्या कहा बच्चों, उसने यहां से आपके पास प्राइमरी सोर्स, ये तो प्राइमरी सोर्स था, तो जब ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स. देखो फिर से समझिए, मैं बताती हूँ आराम से. ये आपके पास एक प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, या इसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स. ठीक है, इस पॉइंट सोर्स के कारण बच्चों, ये यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स के कारण बच्चों यहाँ पे थोड़ा बीच में लिखू, यहाँ पे लिख लू, ये बना आपके पास, ये तो क्या कहा गया, प्राइमरी सोर्स और पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स. देखो ध्यान से, तो इसके कारण जो बना, इसके कारण ये एक वेव फ्रंट बन गया. देखो ये इसके कारण ये पूरा एक वेव फ्रंट बन गया, ये पूरा एक वेव फ्रंट बन गया बच्चों. इसकी इस वेव फ्रंट का, अब देखो मैं इसको इधर बना रही हूं, इसी चीज को मैं यहां बना रही हूं, थोड़ा छोटा बना. ठीक है, इस पॉइंट सोर्स के कारण हमारे पास इस पॉइंट सोर्स के कारण हमारे पास एक वेव फ्रंट बन गया स्फेरिकल वेव फॉर्म में. इसका हर एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये इसके हर एक पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे बच्चों ऐसे, इसके हर एक पार्टिकल, उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, एक्ट्स एज ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस. ये कैसे ट्रीट करेगा बच्चों, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये सारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या सेकेंडरी सोर्स कह सकते हो. ये क्या कहलाएगा बच्चों, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी ये क्या कहलाएगा बच्चों, यहां पे आपके पास सेकेंडरी सोर्स. और जो डिस्टरबेंस जो बना आपके पास, ये जो बना सेकेंडरी सोर्स कह दो या सेकेंडरी डिस्टरबेंस कह दो, सेकेंडरी सोर्स और डिस्टरबेंस. ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स और आपके पास क्या कहलाएगा यहां पे, ये डिस्टरबेंस. ठीक है, और ये जो बनी बच्चों, ये जो बनी है, ये देखो ये तो क्या कहलाएगा, ये अंदर, अंदर वाला जो पॉइंट है, ये अंदर वाला पॉइंट, अंदर वाला, देखो ये अंदर वाला पॉइंट, ये अंदर वाला पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस. और इस डिस्टरबेंस के कारण जो ये बना, देखो ये सर्कल जो बना, जो डिस्टरबेंस एक दूसरा वेव फ्रंट बनने के लिए तैयार है, उसको क्या बोलोगे बच्चों, सेकेंडरी वेवलेंथ, सेकेंडरी वेवलेंथ. इसको क्या नाम दिया उसने, सेकेंडरी वेवलेंथ. बात आई समझ में, जो अंदर है वो एक न्यू डिस्टरबेंस बना, उसने एक नया वेव फ्रंट बनाया, एक नया डिस्टरबेंस बनेगा, एक नया वेव फ्रंट बनेगा. तो ये जो सेकंड जो बना यहाँ पे, ये क्या बनेगा, सेकंड डिस्टरबेंस. ये फर्स्ट डिस्टरबेंस के कारण फर्स्ट वेव फ्रंट बना, इस दूसरे डिस्टरबेंस के कारण क्या बनेगा, दूसरा वेव फ्रंट. तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या कहा, सेकेंडरी सोर्स. तो उसने ये कहा, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी डिस्टरबेंस, एवरी पॉइंट, ये हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डिस्टरबेंस, सेकेंडरी डिस्टरबेंस. और ये जो बना आपके पास, इसके डिस्टरबेंस के कारण जो आपके पास वेव फ्रंट बनेगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी, उसको क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट नाम दिया उसे. ठीक है,
ठीक है, ये उसका फर्स्ट प्रिंसिपल। एवरी पॉइंट, रटने की कोई बात नहीं है, ऑन द वेव फ्रेम एक्ट एज ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड दिस सेकेंडरी डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको क्या नाम दिया बच्चों? सेकेंडरी वेवलेट्स। नोट करिए एक बार जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। 1 2 3 जल्दी नोट करो। 1 2 3 कर लिया बच्चों नोट। अब देखो इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना बच्चों, ये ऑल डायरेक्शन में फैली हुई है, सभी डायरेक्शन में ये फैली हुई है। देखो ये यही लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वेवलेट्स सेपरेट इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। सेकेंडरी वेवलेट्स है बच्चों, वेवलेट्स सेपरेट इन ऑल द डायरेक्शन। ये सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल डायरेक्शन में फैली हुई है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ वेव, किससे फैल रही है बच्चों? ये ऐसे फैल रही है। किससे फैल रही है? स्पीड ऑफ वेव्स। नोट करिए बच्चों जल्दी से। नोट कर लीजिए। 1 2 3 जल्दी नोट कर लो भैया। कर लिया? नोट कर लिया। अब इसका देखो बच्चों, जो अगला पॉइंट है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको समझना ध्यान से। डायरेक्ट पढ़ोगे तो कभी समझ नहीं आता, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बच्चों आपके पास? द कॉमन टेंजेंट ऑन द कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन gives the new wave front। देखो इस बात का मतलब क्या? देखो बच्चों हमारे पास ये देखो, यहां से ये एक पॉइंट सोर्स था, इसे ये एक वेव फ्रंट बनेगा। देखो ऐसे पूरे में बनेगा ये, ठीक है। आपको एक साइड दिखा रही हूं, ये पूरा एक वेव फ्रंट बनेगा। ये पॉइंट सोर्स था, इस पॉइंट सोर्स के कारण बच्चों ये एक वेव फ्रंट बना बच्चों, यहां से ये एक वेव फ्रंट। ये हर एक पार्टिकल, पहले उसने कहा एवरी पार्टिकल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। देन इसको सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको क्या कहा गया? सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको क्या कहा गया था बच्चों? सेकेंडरी वेवलेट्स। इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, ये आपके पास मैं थोड़ा एक साइड में दिखा रही हूँ, बाकी ये सब सेम ही है दोनों साइड में, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, ये पॉइंट सोर्स है बच्चों, इसके कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ऐसे, ये पूरा जैसे ये बन रहा है। मैं इसको आगे से दिखा रही हूँ बस एक बार अभी, ठीक है। तो ये एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसको हमने क्या कहा बच्चों? सेकेंडरी वेवलेट्स। जिसको हमने क्या कहा? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? ये सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल डायरेक्शन में फैल रही है, किससे? स्पीड ऑफ वेव्स। इतनी बात क्लियर हुई? किससे फैल रही हुई थी सारी की सारी? स्पीड ऑफ वेव्स। फिर उसने कहा द कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट, द कॉमन टेंजेंट इस सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर जो कॉमन टेंजेंट बनेगा, ये पॉइंट सोर्स बच्चों, इसके कारण ये वेव फ्रंट बना, ठीक है। ये वेव फ्रंट बन गया, मतलब बड़ा बड़ा बना देती हूँ थोड़ा सा, अच्छे से सही नजर आएगा, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स, ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। द कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेव, यहां पे कौन टेंजेंट बना है यहां पे, ठीक है। द
The common tangent on the secondary wavelets gives the forward direction. New wavefront. अगर मैं यहाँ पे common tangent बनाऊँ, इस पे, मैं पूरा भी बना दूँ, ऐसे ही बना दूँ ये, थोड़ा सर्कल में, फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कैसे. ये हमारे पास एक वेवफ्रंट है बच्चों, ठीक है, ये एक वेवफ्रंट बना हमारे पास, ठीक है. इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ जो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा बच्चों, ये इधर भी बना सकते हैं आप लोग. कॉमन टेंजेंट जो हमने ड्रॉ करा, ये बोला कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है. ये क्या देगा, गिव्स द न्यू वेवफ्रंट. ये हमें क्या बताएगा, यहाँ पे न्यू वेवफ्रंट, न्यू, ये जो कॉमन टेंजेंट है ये क्या बताएगा, किसके बारे में बताएगा बच्चों, अबाउट द न्यू वेवफ्रंट. एक बार इतना नोट करो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझाते. अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन को समझाया. The common tangent on the secondary wavelet. ये secondary wavelets थी, ये बात समझ आ गई थी कि ये secondary wavelets. पहले पॉइंट में समझा. इसके ऊपर को tangent बनाए हम लोग ऐसे. ये tangent. तो ये tangent क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास, new wavefront. ठीक है. In forward direction. किसमें बच्चों, forward direction. जिधर energy flow कर रही, जिधर energy flow कर रही. ठीक है. It's called new wavefront. एक बार note करिए बच्चों जल्दी से. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर एक बार. नोट कर लो, 1 2 3 जल्दी नोट कर लो. हो गया. अब देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इस चीज को. देखो कैसे, इसका मतलब क्या था. मान लिया बच्चों जो सेकेंडरी वेवलेट किसे चलती है बच्चों, वेव की स्पीड से. ठीक है. सेकेंडरी वेवलेट्स देखो बस समझते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं. सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स किससे चलती है बच्चों, वी स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स है. मान लिया हमें किसी T1 टाइम के बाद हमें वेवफ्रंट देखना है. हमने क्या करना है बच्चों, T1 टाइम के बाद एक वेवफ्रंट देखना. इसके बाद आफ्टर द टाइम T1, ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेंथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेट्स After time t1, velocity क्या हो जाएगी बच्चों, distance upon time. तो distance क्या हो जाएगी, velocity into time. तो t1 time के बाद secondary wavelets कितनी distance travel कर लेगी बच्चों, v into t1. तो जो distance है बच्चों वो कितनी हमारे पास, v into में t1 का हमारे पास distance. तो क्या करेंगे बच्चों, ये point source, इसके कारण हमारे पास ये wavelet बन गया. ये wavelets बन गई बच्चों, वेवलेट्स बन गई. T1 टाइम के बाद, किसके बाद कर रहा है, T1 टाइम पर R डिस्टेंस पे आर्क बना लेंगे ऐसे. ये R डिस्टेंस बच्चों, यहां से ये R डिस्टेंस पे क्या बना लेंगे, आर्क बना लेंगे. ये मेरे को नीचे थोड़ी जगह नहीं है, मैं थोड़ा और ऐसे बना लेती हूं. ये R डिस्टेंस पे यहां पे क्या बना लेंगे बच्चों, ये आर्क बना लेंगे. ये डिस्टेंस क्या हमारी, D डिस्टेंस. और वहां से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. आप ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो ऐसे ही बना सकते हो. लाइन सोर्स के कारण तो ऐसे बनेगा, लाइन सोर्स के कारण तो हमारे पास ऐसे ही बनेगा ना. तो लाइन सोर्स के कारण यहाँ पे ये मैं एक टेंजेंट बना दूंगी आर डिस्टेंस पे, इनसे ये आर डिस्टेंस पे लाइन सोर्स के कारण, ये मैं पॉइंट सोर्स के कारण. तो जो ये टेंजेंट बनेगा ना बच्चों, ये जो टेंजेंट बना, ये हमें क्या बताएगा, सेकेंडरी वेव लाइन. किसके बारे में बताएगा बच्चों, हमें ये सेकेंडरी वेवफ्रंट के बारे में बताएगा. ठीक है. तो हमारे पास क्या करो, जब भी आपसे कोई वेवफ्रंट पूछे तो उस टी टाइम में वेव के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को निकालो और वहां से वो टेंजेंट बना. ये क्या बच्चों, टेंजेंट. ये टेंजेंट क्या बताएगा, न्यू वेवफ्रंट के बारे में बताएगा. देखो कैसे, यहां देखो ये पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स के कारण एक सेकेंडरी वेवलेट बना, वेवफ्रंट बना. पॉइंट सोर्स के कारण क्या बना हमारे पास बच्चों, वेवफ्रंट बना. ये एक वेवफ्रंट बन गया, ठीक है. और ये क्या कहलाया था, सेकेंडरी वेवलेट्स. अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जब तुम ये पॉइंट सोर्स, भाई अच्छे से बन जा, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स और ये हमारे पास
बनाओगे ऐसे, ये टेंजेंट बनी, ठीक है, ये जो टेंजेंट बना सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ किसी भी टाइम पे आर्क की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बच्चों, ये आर्क की फॉर्म में, ठीक है, जो ये बना हुआ, ये देखो सर, ये क्या कहलाएगा आपके पास, फॉरवर्ड एनवेलप या न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इसे क्या कहेंगे आप लोग, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, न्यू वेव फ्रंट, क्या कहेंगे, सॉरी न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, न्यू वेव फ्रंट, क्या कहेंगे, न्यू वेव फ्रंट। सेम बात बच्चों यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ये क्या कहलाएगा, न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। बात आई बात बच्चों समझ में, नोट कर लीजिए। तो क्या बताया उसने, एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर इस सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर हम एक टेंजेंट बना दें, या मैं कहूँ टी वन टाइम में वेव कितनी ट्रेवल होगी, वेवलेट्स कितने चले, तो उस वी इंटू टी वन, ये डी क्या है, वी इंटू टी वन, वेलोसिटी तो स्पीड, वेव किसे चल रही है, वी स्पीड से चल रही है, उस टी वन टाइम के लिए डिस्टेंस निकाल देंगे, वहां पर एक टेंजेंट बना देंगे, तो वो टेंजेंट उस वेव का क्या बताएगा, एनवेलप, मतलब वो न्यू वेव फ्रंट बताएगा, और टेंजेंट क्या बताएगा बच्चों आपको, न्यू वेव फ्रंट बनाएगा, और टेंजेंट क्या बताएगा आपको, न्यू वेव फ्रंट। एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं, नोट करिए, कैन बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट, क्वेश्चन लिखिए, कैन बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट, ये नोट कर लिया बच्चों, लिखिए, कैन बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट, कैन बैकवर्ड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट एग्जिस्ट, क्या बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट करता है बच्चों, देखिए कैसे, देखो बच्चों बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता, आंसर लिखोगे नो, बैकवर्ड वेव फ्रंट, नो, बैकवर्ड वेव फ्रंट नॉट एग्जिस्ट। इस बात का समझ लिए बच्चों, जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं ना बच्चों, बिकॉज ये आप डायरेक्ट लिख लेना यहां से, सेकेंडरी वेवलेट एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों 1 cos θ, ये हम आगे प्रूव कर देंगे आपको डेरिवेशन में, किसके बराबर प्रोपोर्शनल होता है 1 cos θ, ठीक है, तो मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो सेकेंडरी वेवलेट एम्पलीट्यूड बराबर आ जाए के इंटू 1 cos θ, के भी द कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करूं फॉरवर्ड लेंथ की, इफ फॉरवर्ड वेव फ्रंट, तो फॉरवर्ड वेव फ्रंट का मतलब बच्चों देखो डिस्टेंस भी इधर ही है, वेव फ्रंट भी इधर ही चल रहा है, वेव फ्रंट की डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, फोर्स भी इधर लग रहा है, चल भी इधर ही रहा, तो थीटा क्या बनेगा बच्चों, जीरो। फॉरवर्ड वेव फ्रंट में थीटा क्या बनेगा बच्चों, जीरो बनेगा, ठीक है। तो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, देन क्या बनेगा आपके पास यहां से, ये 1 cos 0, cos 0 की वैल्यू बच्चों ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या बनेगा, 1 cos 0, cos 0 वैल्यू बच्चों 1 plus 1, मतलब आगे फैलता चला जाएगा, वेव फ्रंट जब चलेगा ऐसे तो वो आगे ऐसे फैलता चला जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं बढ़ रहा है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आपके पास बैकवर्ड वेव फ्रंट की, ठीक है, इफ बैकवर्ड वेव फ्रंट की बात करूं बच्चों, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, मतलब कि आपके पास वेवलेट्स इधर बन रही है, एनर्जी का सोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एनर्जी इधर डिस्प्लेस हो रही है, वेवलेट इधर बन रही है, तो थीटा क्या बनेगा बच्चों उस केस में, पाई, तो थीटा इस केस में कितना हो जाएगा बच्चों, पाई, तो इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या हो जाएगा, 1 minus 1 plus cos pi, cos pi की वैल्यू बच्चों -1 = 0, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0, मतलब बैकवर्ड वेव फ्रंट, एम्पलीट्यूड मतलब एनर्जी इंटेंसिटी होता है, तो इसका मतलब बच्चों बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एम्पलीट्यूड ही 0 होगा तो वेव एनर्जी ही नहीं है वेव के पास, तो वो आगे कैसे चलेगी, ठीक है, तो बैकवर्ड वेव फ्रंट डज नॉट पॉसिबल, बैकवर्ड वेव फ्रंट बच्चों वहां पे आपका पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आई ये बात सबको, तो क्या होगा, बैकवर्ड वेव फ्रंट डज नॉट पॉसिबल। तो क्या पढ़ा बच्चों आज हमने,
हाइगन्स थ्योरी फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाइगन्स ने हमें सबसे पहले आया था बच्चों आपके पास न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और एयर में कम होती है। बाद में हाइगन्स आया, उसने इस थ्योरी के बारे में बताया कि लाइट जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। उसने इस थ्योरी के बेसिस पे कई फिनोमेनास प्रूव कर दिए, लेकिन बाद में ये थ्योरी भी बच्चों फेल हो गई। हाइगन्स ने कुछ प्रिंसिपल दिए, उसने एक वेव फ्रंट नाम का कोई कंसेप्ट बताया। उसने कहा कि जैसे पत्थर को पानी के अंदर मानते तो जो वाइब्रेशन बनती है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसे क्या कहते हैं बच्चों, वेव फ्रंट कहते हैं। उसने बताया कि टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो बेसिकली बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स के कारण बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा और लाइन के कारण कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। अगर पॉइंट सोर्स को इन्फिनिटी पे देखा जाए, मतलब सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे है, तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन बनेगा। जैसे सन सन हमारे लिए कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, उससे आने वाली रेडिएशन हमारे पास कैसे आती, पैरेलल। तो कैसा वेव फ्रंट बनाएगी बच्चों, वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगी। फिर उसने यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉइंट बताया हाइगन्स प्रिंसिपल के लिए ही कि एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स के पास अगर हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट क्या देगा हमें, न्यू डिस्टर्बेंस को बताएगा, न्यू वेव फ्रंट को देगा हमें, ठीक है। और ये वेव फ्रंट जो है बच्चों सभी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ वेव से आगे फैल रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट बनेगा थीटा पाई तो इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो बैकवर्ड वेव फ्रंट डज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइगन्स ने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और आपके पास लेंस मिरर में डेविएशन कैसे होता है उसके बारे में प्रिज्म के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो लेक्चर बेसिक था, बट बच्चों हाइगन्स प्रिंसिपल के दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हाइगन्स के दो प्रिंसिपल, तीन पॉइंट थे आपके पास वेव फ्रंट के बारे में, एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, वेवलेट्स, फॉरवर्ड टेंजेंट, ये दो तीन पॉइंट आप अच्छे से याद रखें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करें।